हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या आपको पता है कि आप अपने मोबाइल पे कुछ ऐप्स को बिना इंस्टॉल किए भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसे ही प्ले स्टोर के कुछ कमाल के टिप्स आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर जो घंटी छप रही उसको प्रेस करके भी ऑल क्लिक कर लें। इससे होगा ये कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा और उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्ले स्टोर के 5 कमाल के टिप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार हैं और आपको हैरानी होगी कि आपके मोबाइल से ये सब भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सेटिंग आपको बताता हूँ कि आप कैसे किसी ऐप को बिना इंस्टॉल किए भी अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए गूगल ने एक हमें सर्विस दी है। यहाँ पे आप जाएंगे, गूगल प्ले को ओपन करने के बाद आपको इस अपने आइकन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन में जो सेकंड वाला है यूज़र कंट्रोल, उसमें आप नीचे जैसे स्लाइड करेंगे देखेंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आता है गूगल प्ले इंस्टेंट का, और उसके नीचे लिखा है यूज ऐप्स एंड गेम्स विदाउट इंस्टॉलेशन, यानी आप ऐप्स और गेम्स को बिना इंस्टॉल किए भी अपने मोबाइल पर यूज कर सकते हो। कैसे? तो उसके लिए आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ ऑन कर दें। इसके बाद जब भी कोई ऐसे लिंक होगा ऐप से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड जो इस फैसिलिटी को सपोर्ट करता होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप बिना उस ऐप को गेम को इंस्टॉल किए भी यूज कर पाएंगे। आपको अगली चीज़ बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने गूगल प्ले स्टोर में गेम भी खेल सकते हैं, ऑफलाइन गेम। जी हाँ, मान लीजिए आपने प्ले स्टोर ऐप ओपन किया है और आपका नेट कनेक्शन चला जाता है, या खुद से आप नेट कनेक्शन ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद जैसे भी कुछ क्लिक करेंगे तो देख रहे होंगे ये ओपन हो जाता है और यहाँ लिखता है यू आर ऑफलाइन। इसके बाद नीचे देख रहे होंगे एक ऑप्शन आता है प्ले गेम का, यहाँ पे हॉट एयर बेलून गेम, उसमें प्ले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप आराम से इस गेम को खेल सकते हैं, यानी अब अगर आपके मोबाइल पे नेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो आप गूगल प्ले ऐप में जाकर इस गेम को आसानी से खेल पाएंगे और अपना टाइम पास भी कर सकते हैं। देख रहे हो काफ़ी मज़ेदार गेम है। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके मोबाइल को आपके घर में सभी यूज करते होंगे, आपके बच्चे भी यूज़ करते होंगे, तो आप यहाँ पे एक सेटिंग दी गई है जिससे आप अपने बच्चों को अनचाहे ऐप को यूज करने से बचा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने यहाँ पे फ़ोटो वाले आइकन में क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ से फैमिली वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से देख रहे होंगे एक पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन आता है, इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद से कुछ ऐसे कंटेंट जो छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं, जो ऐप छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं, वो इस मोबाइल पे दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये सब टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब आपको बताता हूँ गूगल की एक और सेटिंग है कि आप अपने मोबाइल के इंस्टॉल किए हुए ऐप को किसी को भेज सकते हो प्ले स्टोर से ही। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप प्ले स्टोर से भी ऐप को भेज सकते हैं जो ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर यहाँ से जो आपका फ़ोटो का आइकन है राइट साइड में उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से माय ऐप्स एंड गेम्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे इधर आपको एक शेयर ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर में शेयर ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है ऐप्स भेजने का और रिसीव भी करने का, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि आप किसी को भी इस ऑप्शन में क्लिक करके भेज भी सकते हैं और ऐप को रिसीव भी कर सकते हैं। करना ये होगा कि दूसरे मोबाइल में भी आपको सेम इसी तरह जाके शेयर को ओपन करना है और एक में सेंड और एक में रिसीव ऑन करके जैसे आप नॉर्मल ऐप फ़ोटो भेजते हैं वैसे आप प्ले स्टोर से भी भेज सकते हैं। अगली सेटिंग आपको बताता हूँ कि गूगल हमें अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट भी करने का फैसिलिटी देता है। आप यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद देख रहे होंगे यहाँ आपको एक प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक स्कैन का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके आप अपने मोबाइल के सारे ऐप को स्कैन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐप जो है वो आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल है या आपको अपने मोबाइल पर रखना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा ऐप आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो यहाँ पर वार्निंग आ जाता है। चलिए, 5 तो हो गए हैं, लास्ट में आपको एक और मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन आपको ओपन करना है तो आप प्ले स्टोर से भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए सेम यहाँ पर अपने फ़ोटो में क्लिक करना है,
इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में, फिर इसको यहाँ पे अबाउट में क्लिक करना है। इसके बाद देख रहे होंगे प्ले स्टोर वर्जन का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपको कुछ बार क्लिक करना है। देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही ऑन कर लिया है इसलिए लिख रहा है यू आर ए डेवलपर। अगर नहीं होता तो यहाँ से आपका मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टिप्स बिल्कुल नया लगा होगा और अच्छा लगा होगा। इस तरह के टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।